हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल इजीएस्ट वे ऑफ स्टडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। तो इसमें हम लोग इरेशनल नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग करेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या है? एनी नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो कोई भी नंबर जिसको कि हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और पी क्यू जो है वो इंटीजर होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू अगर जीरो हो गया तो पी वाई क्यू डिफाइंड नहीं होगा। किसी भी नंबर को यदि जीरो से हम डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे रूट टू, रूट टू को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रूट थ्री, रूट फाइव, पाई, तो पाई जो है पाई का वैल्यू 3.14 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता है, तो मतलब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बट 22/7 होता है पाई का वैल्यू, तो ये जो है ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो 22/7 जो है ये रेशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। माइनस ऑफ रूट टू बाई रूट थ्री, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। 0.10110110110110, अब इस बार 5 times 1 आएगा, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा, तो ये भी जो है इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये जो है इरेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी कोमा क्यू इज इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एंड पी कोमा क्यू इंटीजर, पी और क्यू का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए। को प्राइम्स, तो को प्राइम जो है टू इंटीजर ए एंड बी आर सेड टू बी को प्राइम इफ द एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू 1। दो जो इंटीजर ए एंड बी है वो को प्राइम होगा अगर उन दोनों का एचसीएफ 1 होगा। को प्राइम को हम लोग रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। तो थ्योरम है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो कह रहा है कि पी जो है कोई प्राइम नंबर है और यदि पी जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो प्रूव करना है कि पी ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज पॉजिटिव नंबर और ए जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलिए, तो क्या है कि अगर मान लीजिए लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए का जो प्राइम फैक्टराइजेशन पी वन इंटू पी टू इंटू डॉट 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 पी एन हो जाएगा, मान लीजिए कि ये है तो, और पी वन पी टू पी थ्री सब प्राइम नंबर होगा, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, और हो सकता है कि पी वन पी टू जो है सेम हो, मतलब टू स्क्वायर अगर आएगा तो टू इंटू टू, थ्री स्क्वायर तो थ्री इंटू थ्री, और थ्री क्यूब भी हो सकता है, तो कुछ भी, मतलब ये जरूरी नहीं है कि पी वन पी टू सब डिस्टिंक्ट हो। देयरफॉर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर पी थ्री स्क्वायर ऐसे पी एन स्क्वायर तक आ जाएगा। नाउ वी आर गिवेन, हम लोग को दिया हुआ है कि पी जो है डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को, तो पी जो है प्राइम फैक्टर होगा ए स्क्वायर का, पी डिवाइड ए स्क्वायर। फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट फॉलो दैट पी इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोग पढ़े थे कि अगर पी जो है डिवाइड करता है ए को तो ए जो पी तुम्हारा ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर होगा। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो पी इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, तो पी जो है तो इन्हीं में से कुछ होगा ना, पी वन पी टू पी थ्री पी एन में से कोई एक होगा पी, क्योंकि प्राइम फैक्टर तो ए स्क्वायर का दिया हुआ है हम लोग के पास। तो हाउएवर यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी रियलाइज दैट द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर दिस। तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर ये होगा और सब यूनिक है, तो पी इसी में से कोई एक है। नाउ सिंस ए इक्वल टू पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री पी एन, तो पी जो है ए इक्वल टू ये है, तो पी डिवाइड्स ए हो जाएगा, क्योंकि ये ए इक्वल टू पी वन पी टू पी थ्री है और इनमें से कोई एक जो है पी है, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर पी वन पी है तो ए बाई पी हो जाएगा, आपका इंडिविजुअल मतलब इंटीजर हो जाएगा पी वन इंटू पी थ्री ऐसे करके, तो ए इक्वल टू ए जो है डिवाइड करेगा, सॉरी पी जो है डिवाइड करेगा ए को। जैसे देखिए एग्जांपल मान लीजिए 12 इक्वल टू ए है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 144, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो कह रहा है कि पी डिवाइड ए स्क्वायर, तो पी आपका 2 या 3 में से ही कुछ होगा, तो मान लीजिए 2 है तो 2 जो है ए को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि इसी का तो स्क्वायर है, तो ये डिवाइड तो करना ही है। तो चलिए अगला एग्जांपल है, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल।
हमको प्रूव करना है कि 1/√2 इरेशनल है। तो मान लीजिए कि 1/2 जो है वो रेशनल है, तो अगर रेशनल है तो इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम पी एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट 1/√2 इक्वल टू पी वाई क्यू। तो हम लोग को प्राइम नंबर पी और क्यू देखेंगे जो कि मतलब 1/√2 के इक्वल होगा पी वाई क्यू, वेयर पी क्यू इंटीजर होना चाहिए, इम्प्लाइज √2 इक्वल टू क्यू बाई पी, वाई पी इज रेशनल एज पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू इंटीजर हम लोग माने थे तो क्यू बाई पी जो है रेशनल होना चाहिए, देयरफॉर √2 इज रेशनल। अगर क्यू बाई पी रेशनल है तो हम √2 को क्यू बाई पी के फॉर्म में लिख दिए हैं तो √2 भी रेशनल होगा, व्हिच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज रेशनल, जो कि कंट्राडिक्ट करता है वास्तविकता को, फैक्ट को, क्योंकि √2 जो है इरेशनल होता है रियली में। तो हैंस आवर एजम्पशन इज फॉल्स, तो हम जो एज्यूम किए थे कि √2 जो है रेशनल नंबर है वो आपका गलत एजम्पशन है, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। अगला एग्जांपल है प्रूव दैट √2/3 इज इरेशनल, तो लेट अस एज्यूम दैट √2/3 इज इरेशनल, देयरफॉर वी कैन फाइंड को प्राइम पी एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट √2/3 इक्वल टू पी बाई क्यू। तो √2/3 को इक्वल टू पी बाई क्यू हम लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशनल नंबर हम लोग एज्यूम किए हैं, देयरफॉर √2 क्यू इक्वल टू 3p। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो 2q² = 9p², मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि q² 2q² दिया हुआ 2 × q², तो इम्प्लाइज p इज डिविजिबल बाई 2। पिछले थ्योरम में हम लोग देखे थे कि अगर p स्क्वायर डिवाइड करता है तो p भी डिवाइड करेगा, तो लेट p इक्वल टू 2m, पुट इन अबव इक्वेशन, तो p इक्वल टू 2m जो है इसमें रख देते हैं, तो 2q² = 9 × 2m² तो 2q² = 36m², तो q² = 2 × 9m², इम्प्लाइज q² इज डिविजिबल बाई 2। मतलब क्या हो गया कि q² भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो पिछले थ्योरम हम लोग देखे थे तो q² इज डिविजिबल बाई 2, तो फ्रॉम 2 एंड 3 बोथ q एंड p एंड q हैज कॉमन फैक्टर 2। तो 2 और 3 से क्या है कि p का भी कॉमन फैक्टर 2 है और q का भी कॉमन फैक्टर 2 है, विच कंट्राडिक्ट पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, तो ये जो है इस बात को कंट्राडिक्ट करता है कि पी एंड क्यू को प्राइम नंबर है, क्योंकि यदि को प्राइम नंबर रहता तो एस सी एफ जो है दोनों का 1 होता पी और क्यू का। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दस 2/√3 इज इरेशनल। अगला एग्जाम्पल है प्रूव 7/5 इज इरेशनल, तो फिर से वही लेट अस अज्यूम दैट 7/5 इज रेशनल, वी कैन फाइंड को प्राइम्स पी एंड क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट 7/5 इक्वल टू पी बाई क्यू, हेयर पी क्यू इज इंटीजर्स। तो हम लोग वैसा को प्राइम नंबर पी एंड क्यू के फॉर्म में 7/5 को लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशनल नंबर है, तो 7/5 इक्वल टू पी बाई क्यू, तो √5 इक्वल टू पी बाई 7q, और पी क्यू जो है इंटीजर होगा, तो सिंस 7pq आर इंटीजर इम्प्लाइज p बाई 7q इज इरेशनल, क्योंकि 7q भी इंटीजर होगा और p भी इंटीजर होगा, तो p बाई 7q इरेशनल है। तो इससे हम क्या, और इसके ये जो है √5 के इक्वल है, तो √5 के इक्वल है तो √5 भी इरेशनल होना चाहिए, एंड सो √5 इज इरेशनल, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, ये जो है फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि √5 इरेशनल होता है। सो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ करेक्ट एजम्पशन दैट 7/5 इज रेशनल, तो ये जो है कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हम माने थे कि 7/5 रेशनल है, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो 7/5 इज इरेशनल। अब अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट 6+√2 इज रेशनल, तो लेट अस अज्यूम दैट 6+√2 इज रेशनल। अब फिर से क्या करेंगे, देयरफॉर वी कैन फाइंड को प्राइम पी एंड क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट 6+√2 इक्वल टू पी बाई क्यू, सो √2 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 6, और पी क्यू जो है आपका इंटीजर है, p, q इज इंटीजर, तो √2 इक्वल टू पी माइनस 6 अपॉन क्यू, तो पी और क्यू इंटीजर है तो पी माइनस 6 भी इंटीजर होगा और क्यू भी इंटीजर होगा, तो पी माइनस 6 अपॉन क्यू फिर से रेशनल नंबर हो जाएगा, एंड सो √2 इक्वल टू दिस है तो √2 भी रेशनल नंबर हो जाएगा, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज रेशनल, हेंस आवर एजम्पशन इज फॉल्स, देयरफॉर 6+√2 इज इरेशनल। अब अगला एग्जाम्पल है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर एंड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हम लोग को दिया हुआ है कि ये जितना एग्जाम्पल है सबको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करने के बाद। तो
एक, तो मान लेंगे लेट एक्स इक्वल टू 0.8 पे रेकरिंग, तो रेकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटेशन, तो 8 8 8 8 रिपीट हो जाएगा। तो अब इसको 10x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8888 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, तो 10x माइनस x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8/9। अब अगला है 2.4 पे रेकरिंग, तो 2.4444, तो 10x से मल्टीप्लाई करने के बाद 24.4444, तो फिर 10x माइनस x सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1 इक्वल टू 22, तो 9x इक्वल टू 22, x इक्वल टू 22/9। अब अगला जो है 0.24 पे रेकरिंग, तो लेट x इक्वल टू 0.24 पे रेकरिंग, तो 24 24 24 24 मतलब ये आपका रिपीट करेगा। तो हम इस बार जो है 10x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 10x से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इधर आ जाएगा, तो 2.424 हमको डेसिमल के बाद 2424 ही चाहिए ताकि आसानी से जो है सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो 24 इधर लाएंगे तब ना 2424 बचेगा, तो 100x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24.2424 24 24 24, तो सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, तो 99x इक्वल टू 24 x इक्वल टू 24 बाई 99 इक्वल टू 8 बाई 33। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हम लोग पिछले लेक्चर में बताए थे, तो वहां से देख लीजिए कैसे लिखते हैं। तो 0.125 पे रेकरिंग है, तो x इक्वल टू 0.125 रिपीट होगा, तो 25 25 25 25, तो डेसिमल के बाद जो है 25 ही होना चाहिए तब ना हम लोग आसान। तो पहले 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 25 25 आ गया। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करने का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो क्योंकि एक 1 और यहाँ 2, तो 25 25 ही चाहिए। तो और एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोनों को लाना है ना, तो 10x में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 × 100x, तो 1000x = 125.25252, तो 1000x - 10x, तो आप लोग चेंज कर लीजिएगा, 990x/990, तो 450, तो ये हो जाएगा x = 124/990 = 62/450, क्योंकि ये 10x है ना, तो 10x में 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, तो 1000x हो जाएगा, गलती हो गया था। 2.24 पे रेकरिंग, तो लेट एक्स इक्वल टू 2.24 रेकरिंग, तो एक्स इक्वल टू 2424, तो फिर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.424 आ जाएगा, यहाँ 2424 है तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो फिर 100x से कर देते हैं, तो 224.242424, तो सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1 99x = 222, तो x = 222/19। ये आपका सिमिलर एग्जांपल है ना, 0.24 पे रेकरिंग, अरे यहाँ 2.24 पे रेकरिंग है, सिमिलर है दोनों। अब अगला है 0.365 पे रेकरिंग, तो x इक्वल टू इतना रिपीट होते जाएगा। अब 1000x डायरेक्ट करेंगे ताकि 365 एक साथ आ जाए, तो डेसिमल के बाद फिर 365 365 रिपीट होते रहेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर, तो x = 365/999। अब अगला एग्जांपल है, इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम, व्हाट इज देयर एलसीएम। अगर दो नंबर ए एंड बी दिया हो जो कि रिलेटिवली प्राइम मतलब को प्राइम नंबर है ए एंड बी, तो एलसीएम क्या होगा। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू ए इंटू बी, और रिलेटिवली प्राइम नंबर का एच सी एफ 1 होता है, तो 1 × LCM = A × B, therefore LCM इक्वल टू A × B, फॉर एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। अब कुछ पॉइंट्स है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, किसी भी दो यदि एक नंबर रेशनल है दूसरा इरेशनल है, तो उसका सम या डिफरेंस जो है आपका इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे 3 और √5, तो 3+√5 इरेशनल हो जाएगा, 3-√5 इरेशनल हो जाएगा। अब अगला है प्रोडक्ट और क्वेशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, दो भी रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी आपका इरेशनल होता है, और रेशनल और इरेशनल नंबर को यदि एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो क्वेशेंट जो बचेगा वो भी आपका इरेशनल ही होता है, क्योंकि 3√5, तो 3 × √5 इरेशनल, 3/√5 भी इरेशनल। अब अगला पॉइंट है सम और डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर में और मे नॉट बी इरेशनल, तो दो इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस जो है इरेशनल हो भी सकता है, रेशनल हो भी सकता है, इरेशनल हो भी सकता है, इरेशनल नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए, हाँ इरेशनल, जैसे देखिए 3+√5 और 5-√5 है, तीन दोनों का सम करने के बाद √5-√5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा जो कि रेशनल नंबर है, और 3+√5, 5+√5 रहेगा, जिसका जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो √5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2 जो है वो आपका रेशनल नंबर है, तो इरेशनल हो भी सकता है, इरेशनल नहीं भी हो सकता है, मतलब इरेशनल यहाँ लिखा हुआ है।
अब अगला है प्रोडक्ट एंड क्वेश्चेंट ऑफ टू नॉन जीरो इरेशनल नंबर में और मे नॉट बी इरेशनल। सेम सिचुएशन है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट या फिर उसको डिवाइड करेंगे तो इरेशनल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे 3√5 × 5√5 तो 15 × 5 हो जाएगा, मतलब 75 जो कि रेशनल नंबर है। 3√5 / 5√5, रूट फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 3/5 जो कि रेशनल नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।